सो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइज, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। गाइज, आर्क सर्वाइवल इवोल आर्क मिथिकल वर्ल्ड की। तो गाइज, आर्क सर्वाइवल इवोल आर्क मिथिकल वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे आ चुके हैं एक मिथिकल वर्ल्ड में, जहाँ पे अलग अलग तरह के घोस्ट क्रिएचर भाई, मिथिकल क्रिएचर मॉन्स्टर्स और अलग अलग तरह के काफी खतरनाक से बॉसेस पाए जाते हैं। और इस वर्ल्ड में जो ना गाइज, हमको सर्वाइव करके बॉसेस को मारना है और कुछ खतरनाक से जो ना गाइस डायनोस एंड मिथिकल डायनोस को टेम करना है। तो वो काम जो ना गाइस हम यहाँ पे काफी ज्यादा जल्दी शुरू करने वाले। लेकिन पिछले एपिसोड में हमने यहाँ पे हमारा जो घर है ना गाइस, वो बनाने का काम जो ना गाइस वो शुरू कर दिया था। और गाइस, वो जो काम है ना गाइस, वो हम यहाँ पे आज पूरा करने वाले। जो हमारा घर है ना गाइस, वो आज के इस एपिसोड में हम पूरा कंप्लीट करने वाले। तो गाइस, आज कोई भी टेमिंग नहीं होने वाली है। आज सिर्फ जो ना गाइस अपन यहाँ पे अपना घर जो ना गाइस वो बनाने का काम करने वाले। तो चले गाइस, खतरों से भरा हुआ हमारा जो एडवेंचर है वो बिना किसी देरी के यहाँ पे शुरू कर डालते और फुल टू तबाही मचा डालते। लेकिन गाइस, आज का जो एपिसोड है ना गाइस, वो शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार यहाँ पे अपने चैनल पे, जो ना अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, गाइस आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो ना गाइस वो हमारे लिए काफी मायने रखता है। तो फटाफट गाइस लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना गाइस। और गाइस, यहाँ पे आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमको ऐसी खतरनाक और भाई एकदम ओपी वाली वीडियोस देने बनाने के लिए काफी मोटिवेट करता है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चले भाई लोग, करते आज का एपिसोड बिना किसी देरी के शुरू एंड फुल टू तबाही मचा डालते। और यहाँ पे सबसे पहले हमारा एक खूबसूरत सा घर बना डालते गाइस, ठीक है। अभी जो ना गाइस मेरे को ये स्ट्रेट्स लगा लगा कि ऊपर की तरफ ये भाई स्टोन देख रहे हो, वहां पे जो ना गाइस अपना ये प्लेटफॉर्म जो ना गाइस वो कनेक्ट करने का काम कर लेना है। तो वही काम जो ना गाइस अभी फिलहाल के लिए मैं कर रहा हूँ। एंड उसके लिए थोड़ा सा तुड़ुक जाम करना पड़ेगा। स्ट्रेट जो ना गाइस ऊपर तक लेके जाने में ना थोड़ा सा यहाँ पे तुड़ुक जाम करना पड़ेगा भाई, ठीक है। एंड लाइक दिस डन। अभी जो ना गाइस, हाँ अभी यहाँ पे बस अपन को स्टेयर बाई ज्वाइंट करनी है। एंड यहाँ पे ये घर बनाने के लिए ना भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है गाइस। ये वीडियो जो है ना थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन काट छाट करके मैं इसको थोड़ी सी छोटी बनाने की कोशिश करूँगा। अभी यहाँ पे मेरे को लगाना है भाई दो अपना ये भाई, ठीक है। लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। एंड एक स्टेयर लगा के अपन जो है ना गाइस बड़े आराम से यहाँ पे इस वाले, तो इस पर स्टेयर नहीं लगेगा ना, इंजीनियरिंग भाई, इंजीनियरिंग हाँ यहाँ पे लगेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे लगेगा, इसके लेवल में हो गया ना। एंड यहाँ पे लगेगा। एंड आई थिंक अगर अपन यहाँ पे ये लगा डाले तो आई थिंक स्टेयर कंप्लीट हो जाएगी ना अपनी, शायद भाई शायद स्टेयर्स कंप्लीट हो जाएगी। मे बी चेकआउट कर लेते, रुक जाओ। हाँ, अपनी स्टेयर जो ना गाइस वो कंप्लीट हो जाएगी। बस आगे जाके मेरे को एक और भाई ये लगाना पड़ेगा। कोई सीन नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है गाइस, कोई टेंशन वाली बात नहीं। नीचे से जो ना गाइस इसको बाद में कनेक्ट कर दूंगा। अभी यहाँ पे बस अपन को ऐसी स्टेयर लगा डालनी है। अरे 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 अरे, खतरनाक गाइस, काफ़ी ज़्यादा जल्दी काम हो गया यार अपना ये। एंड अभी ये स्टेयर मेरे को आगे की तरफ लानी है, मतलब यहाँ पे मेरे को डबल ट्रबल करना पड़ेगा, मतलब डबल जो है ना गाइस वो लगाना पड़ेगा। फाउंडेशन ने डायरेक्टली सीलिंग कनेक्ट कर लेता ऊपर से भाई, ठीक है। ये जो ना गाइस यहाँ पे थोड़ा सा और ये कर ले बेटा, हाँ ठीक है। एंड यहाँ पे जो ना गाइस अपन ऊपर साइड में एक सीलिंग या फिर फाउंडेशन डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हैं। अभी यार ये निकालने दो मेरे को, इसके ऊपर फाउंडेशन लगेगी शायद, इसके ऊपर फाउंडेशन लगेगी। डबल सीढ़ी कर दूँ क्या, या फिर डबल सीढ़ी कर सकता हूँ, या फिर फाउंडेशन लगाने के बाद इसको अलाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसके ऊपर ऐसी फाउंडेशन लगानी पड़ेगी, रुक जाओ भाई। फाउंडेशन फाउंडेशन तो मेरे पास है ना, बना लूँगा यार भाई, 60 तो बन रही है, कोई सीन नहीं है, ठीक है। फाउंडेशन इसके ऊपर लगा देना बेटा, हाँ यहाँ पे फाउंडेशन लगा के इसके ऊपर डबल फाउंडेशन कर देनी है भाई। इजी पीजी भाई, काम 25 हो गया अपना। चलो गाइस, अपना घर बन गया, खतरनाक खतरनाक। ये अपने घर का प्लेटफॉर्म बनेगा गाइस यहाँ पे, नाइस वन। एंड यहाँ से बस मेरे को अभी वो स्टेयर्स कनेक्ट कर लेनी है ना गाइस, हाँ स्टेयर यहाँ तक कनेक्ट कर लेनी है, बस स्टेयर यहाँ तक कनेक्ट कर लेनी है। तो थोड़ा सा मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है गाइस। हो गया गाइस, देख रहे हो ईजी पीजी। लास्ट वाली स्टेयर जो है ना गाइस वो अपनी डबल की बन गई गाइस, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसको पिकअप कर लेता, नाइस। एंड गाइस, अपना जो घर है ना गाइस उसकी एंट्रेंस जो है ना गाइस वो अपन ने, अरे यार यहाँ पे बीच में एक पत्थर आ रहा है भाई, ठीक है चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, बीच में एक पत्थर आ रहा है लेकिन कोई ना भाई। यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्ट करने में दिक्कत हो रही है, हाँ नाइस वन। तो गाइज ये रहा अपना घर का एकदम रॉयल एंट्रेंस, देख रहे हो देख रहे हो। और यहाँ पे जो ना गाइस अपन अपना एक छोटू मोटू सा जो ना गाइस घर बनाने वाले भाई, ठीक है। यहाँ पे जो ना गाइस अपन को एक बेस बनाना है सबसे पहले भाई अपने घर के लिए। हाँ, नीचे से पिल्लर विल्लर कनेक्ट करने पड़ेंगे मेरे को। ऊपर की तरफ भी एक लेके जाओ क्या, ऊपर की तरफ क्या बनाऊंगा, लेकिन ऊपर की तरफ बाद में करेंगे, अभी फिलहाल के लिए तो ना बेसिक वाला एक छोटा सा घर ही बना रहे थे यहाँ पे, उसके बाद आगे का काम कर लेंगे। अभी पिल्लर बिल्लर भाई सीलिंग बिलिंग जो है ना पानी में अटैच करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले एक बेसिक सा जो बेस है ना गाइस वो बना लेता।
अपना बेस्ट जोना का जो बन चुका है यहाँ पे, बस मेरे को सीलिंग बिलिंग ऐड करनी है। पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं नीचे वाला जो काम है ना, हाँ यहाँ पे पिल्लर पिल्लर लगा देता हूँ, ताकि भाई पिल्लर लगाने की वैसे जरूरत नहीं है लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना गाइस पिल्लर लगाने से। कहाँ पे? हाँ ये यहाँ पे, हाँ नाइस वन, ये पिल्लर कनेक्ट कर ले भाई ऊपर से सीधा, नाइस वन, डन 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 डन, काफ़ी बढ़िया। अभी ओपी लग रहा है गाइज, अभी ओपी लग रहा है। देखो भाई नीचे से भी काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। मैं नीचे साइड में क्या करूँगा बताया क्या, नीचे साइड में एक काम कर लेता, रुक जाओ यहाँ पे, ये वाला एरिया क्यों रहेगा बताया क्या गाइज, यहाँ पे अपन अपना जनरेटर रूम बना डालेंगे भाई, ठीक है। ये रहेगा अपना जनरेटर रूम भाई, यहाँ पे रेलिंग बनाई थी ना मैंने गाइज, वो रेलिंग लगा देता हूँ अभी, रुक जाओ भाई। कतई ज़्यादा ओपी बिल्डर है रे तेरा भाई, रुक जाओ अभी, ये रहेगा अपना जनरेटर रूम गाइज, ओके। एंड हाँ ये यहाँ से कनेक्ट मार दे ऐसा, ये रहेगा गाइज अपना जनरेटर रूम। एंड ये पिलर इसको छोड़ देते हैं, एंड लाइक दिस एंड लाइक दिस, मतलब जनरेटर विनरेटर जो ना गाइज वो अपन को ऊपर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। जो भाई फालतू का सामान होगा ना गाइज, जो अपन को घर में नहीं लगना है, जो भाई अपने काम का लाइक जनरेटर विनरेटर और बाकी की चीज़ें, वो अपन यहाँ पे लगा देंगे गाइज, सिंपल इज दैट ब्रो। नाइस वन, नाइस वन, अरे बेटा हाँ नाइस वन। एंड यहाँ पे कनेक्ट मारे एक, ये फाइनल वाला, अबे ऐसा सीधा मारना है कनेक्ट, हाँ लेट्स गो गाइज, हो गया काम। चलो भाई तो ये रहेगा गाइज अपना यहाँ पे जनरेटर रूम नीचे साइड में अपने घर के, और यहाँ पे भी रेलिंग लगा देता हूँ मैं फटाक से। यहाँ पे आगे तरफ मैंने हाँ स्टेयर तो लगा दी थी, हाँ नाइस वन, ले बेटा डन 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 भाई, रेलिंग लगा के हो चुकी है। एंड ये इस तरफ से आने के लिए अपना एक छोटा सा रास्ता भाई, ठीक है गाइज, एकदम ओपी वाला घर बना डाला भाई, घर नहीं लेकिन स्टेयर तो बना डाली भाई, देख रहे हो। ओ भाई पेड़ पौधे भी, ये पेड़ को तोड़ेगा नहीं यार मैं, ये देखो गाइज टेडन टेडन, ओ भी लग रहा है ना गाइज, ओ भी लग रहा है ना। हाँ बस अभी यहाँ पे एक और काम करना है मेरे को, ये बेस जो ना गाइज वो एक्सपैंड करना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है गाइज। यहाँ पे जो ना गाइज मेरे को पिल्लर बिल्लर बनाने पड़ेंगे, और ये जो बेस है ना गाइज एक पूरा का पूरा स्क्वेयर शेप में मेरे को एक्सपैंड करना है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है यार, लेकिन अपन करके रहेंगे भाई। आज तो एक ओपी सा घर जो ना गाइज वो यहाँ पे बन के रहेगा भाई, ठीक है। मेरे को भाई थोड़ी सी सीलिंग चाहिए होगी, एंड सीलिंग बनाने के लिए मेरे को आई थिंक क्या कम पड़ रहा है, स्टोन कम पड़ रहा है ना, स्टोन लेके आता भाई, स्टोन वुड भी भाई काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चाहिए होगी मेरे को। ओके ये फालतू का सामान जो है ना गाइस फेंक देता हूँ, ताकि मेरी इन्वेंट्री जो है ना गाइस वो हैवी ना हो। एंड यहाँ पे जो ना गाइस स्टोन, हाँ ये वाला स्टोन तोड़ देते हैं अपन। एंड भाई सारी की सारी चीज़ें जो ना गाइस वो बना लेता मैं फटाक से। गाइस यहाँ पे जो ना गाइस मैं बार बार ओवर वेट हुए जा रहा हूँ यार, ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। मैं एक काम कर लेता हूँ भाई, टेम्पररी जो ना गाइस अपन एक बॉक्स बना लेते, जिसके अंदर जो ना गाइस अपन स्टोन एंड वुड बीड वो जो सारा सामान है ना गाइस वो डाल के रखूँगा मैं, ताकि मेरे को बार बार नीचे आके जो ना गाइस ये सामान उठाना पड़े ना पड़े भाई, ठीक है। रुक जाओ, ये सारा सामान जो ना गाइस अपन उसके अंदर भर के रख देंगे, ताकि बार बार मेरे को नीचे के उठाना ना पड़े भाई। एक मिनट, अबे यार मैं भूल गया, अबे नहीं येलो ट्राइब्समैन भग जा, अबे यार ये तो येलो ट्राइब्समैन है गाइस। मैं यहाँ पे भूल गया कि यहाँ पे इस वर्ल्ड में आपको जो ना गाइस ट्राइब मैन भी मिलेंगे, जो ट्राइब्स मैन जो ना एनपीसी होते हैं, लेकिन इनकी बड़ी बड़ी सी ट्राइब्स होती, कुछ ट्राइब्स जो ना गाइस यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर भी यूज करती है भाई, लेकिन ये ट्राइब में जो ना गाइस ये अकेला आया है अपने इग्वांटॉन को लेके उस ब्रोंटो को मारने के लिए। वो लड़की देख रहे हो गाइस, रुक जाओ मैं आपको स्पाई ग्लास से दिखाता, मेरे पास कोई हथियार नहीं, वरना मैं डायरेक्टली चला जाता है यार वहाँ पे लफड़े लेने के लिए भाई। देखो अब इसको डालना नीचे, डालना नीचे, देखो ये देखो भाई, देख रहा हो ये लड़की जो ना गाइस उस ब्रोंटो को बेहोश करने का काम कर रही है भाई, ठीक है। इसको भाई वो काम करने तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई, अगर इसने अपनी पब्लिक को बुला दिया ना तो भाई दिक्कत हो जाएगी गाइस। ये ट्राइब्समैन भाई जितने अच्छे लगते हैं ना आपको, उतने अच्छे नहीं होते भाई, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं गाइस, जिनसे भाई जितना हो सके भाई दूर रहना है उनको और बच के रहना है गाइस, ठीक है। मैं जो ना गाइस यहाँ पे सारा का सारा मेरे को भाई जो भी सामान चाहिए होता है ना, वुड बीड ये वो सारा का सारा इसके अंदर भाई भर के रख देता हूँ भाई। नीचे से मेरे को एक दो राउंड मारने पड़ेंगे सारा सामान भाई लेके आने के लिए, लेकिन मैं सारा का सारा सामान जो ना गाइस यहाँ पे लेके आ जाता हूँ भाई, ठीक है। ये लो भाई इसमें रख दिया मैंने, और अभी मेरे पास सीलिंग बिलिंग तो है ना, हाँ सीलिंग तो इसके अंदर ही डाल दी मैंने। चलो भाई सीलिंग बिलिंग और पिल्लर विल्लर लगा देता अभी, उसके बाद देखता बाद में भाई अपन को कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ी तो अपन देख लेंगे। ये ट्राइब्स में निकल गया भाई अपने भाई जर्नी पे आगे, उसको मारने के लिए वो भाई आगे निकल गया, अच्छी बात है। इसका ध्यान जो ना गाइस मेरी तरफ नहीं गया, चलो आ जाओ यहाँ पे जो ना गाइस अपन को ये सारी की सारी चीज़ें जो ना गाइस वो लगा डालनी है। पहले सीलिंग लगा के मेरे को इन सीलिंग को जो ना गाइस क्या करना है बताया क्या, नीचे से पिल्लर से कनेक्ट कर लेना है भाई, ठीक है। ये देख रहे हो मेरे को इस तरफ कहीं काफ़ी ज़्यादा इसको बढ़ाना पड़ेगा, अभी इसको जो ना गाइस नीचे से मेरे को पिल्लर से कनेक्ट करना पड़ेगा, और पिल्लर जो है ना गाइस वो अपन बड़े आराम से बना सकते हैं। स्टोन पिल्लर, मीडियम स्टोन पिल्लर, और नॉर्मल ही बना लेता ना, नॉर्मल कहाँ पे, लार्ज नहीं भाई, स्टोन पिल्लर दिखा मेरे को भाई डायरेक्टली। और डायनामिक नहीं चाहिए भाई, डायनामिक क्या होता है, एडजस्ट एंगल थिकनेस एंड लेंथ भाई, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए भाई। स्मॉल मीडियम मैंने कौन सा वाला लगाया था, मीडियम स्टोन पिलर है, लार्ज स्टोन है भाई,
मीडियम स्टोन पिलर नॉर्मल लगा दो क्या? मीडियम वाला लगा देता हूँ भाई, ठीक है मीडियम वाला लगा देता हूँ। एंड इसको बना लेते हैं अपन, आई थिंक 10 बना लेते हैं, पहले ट्राई करके देख लेता हूँ इससे अपना काम जो है ना गाइस वो बन रहा है कि नहीं। और मेरे पास पहले से बस स्टोन पिलर यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन ये मीडियम वाले जो है ना गाइस ये थोड़े से कम लगेंगे मेरे को, मेरे हिसाब से। अगर इनको लगाने के लिए लेता, अबे यार आई थिंक इसे काम बन जाएगा गाइस अपना, क्योंकि एक एक दो दो से भाई ये इजीली ये हो जाएंगे ना गाइस, कनेक्ट हो जाएंगे। नीचे कनेक्ट नहीं हो रहा भाई, लेकिन ये नीचे कनेक्ट नहीं हो रहा भाई, नीचे कनेक्ट नहीं हो रहा। इसके लिए भाई काफ़ी ज़्यादा तुड़ुक जाम करना पड़ता भाई ये कनेक्ट करने के लिए। देख रहे हो, देख रहे हो इसको जो ना कैसे एक एंगल पे ऐसा भाई, हाँ भाई ये देखो मिल गया था, हाँ नहीं मिला ना, आई थिंक नहीं मिला भाई। इसको कनेक्ट मार यहाँ पे, ओके एसएस वाला ये बनाना पड़ेगा मेरे को, रुक जाओ। स्टोन के जो ना कैसे दूसरे पिलर बनाने पड़ेंगे, हाँ इससे गाइस अपना काम जो ना कैसे वो बड़े आराम से बन जाएगा यहाँ पे। अब इसको नीचे कनेक्ट मारना, हाँ ये जो ना कैसे यहाँ पे लग गया, लेकिन इसमें भी भाई कनेक्शन का इशू है भाई। हाँ लग जा नीचे, कनेक्ट हो जा, नाइस वन। ऊपर ठीक से लगाया क्या? पहले मैं देख लेता हूँ, अगर ऊपर ठीक से लग गया होगा ना तो अपना काम हो जाएगा, फिर मैं नीचे जो ना गए सारे के सारे पिल्लर लगा दूंगा और अपना काम 25 हो जाएगा। ले बेटा हो गया, आ ऊपर एकदम ओपी लगाया भाई, ठीक है। इसको कितना एक्सपेंड करो आगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5 कर लो क्या? 5 कर लेता हूँ ना, ज़्यादा बड़ा घर बनाने की जरूरत तो नहीं है ना अपन को गाइज। एक और पिल्लर लगा देता हूँ, अपना काम हो जाएगा गाइज। चलो आ जाओ, एक और पिल्लर लगा देते हैं गाइज। मैं अभी जो है ना गाइज पूरी एरिया में बस नीचे से पहले पिल्लर लगाने का काम कर रहा हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि पिल्लर लगाए बिना जो ना गाइज अपना घर यहाँ पे नहीं बनने वाला है। देख रहे हो ईजी है भाई पिल्लर लगाना, उतना भी मुश्किल नहीं है। बस यहाँ पे भाई बीच बीच में थोड़े थोड़े से पिल्लर मेरे को बाद में भी लगाने पड़ेंगे, ऑल राइट, अगर ऊपर भाई स्ट्रक्चर नहीं बन पाया तो। हो गया भाई काम, ले बेटा नाइस वन, ले डन डना डन डन। अभी इसको बस यहाँ पे कनेक्ट कर देना है लाइक दिस भाई। चलो अभी ऊपर जाके बस अपन को जो ना गाइस सीलिंग लगाने का काम करना है। पिल्लर जो ना गाइस वो अपन ने गाइस यहाँ पे लगा डाले भाई, ठीक है। पिल्लर का काम जो ना गाइस वो अपना आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। मैंने इस तरफ कितना एक्सपेंड करा था, कितने करा था एक्सपेंड, 1, 2, 3, 4, 5 करेंगे ना, और बीच में अपना घर रहेगा। डायनोस को रखने के लिए कुछ अलग जगह बना लेंगे भाई। 5 एंड 6 एक कर लो क्या? 6 कर लेता, ये फाइनल रहेगा भाई, ठीक है ये फाइनल रहेगा। चलो भाई इतनी ज़्यादा जो है ना गाइस अपनी यहाँ पे दूरी होने वाली है गाइस। अभी जितने जितने मैं यहाँ पे भाई पिल्लर बिल्लर लगा सकता हूँ ना गाइस उतने ज़्यादा, मतलब सीलिंग लगा सकता हूँ वो लगा देता हूँ। एंड नीचे से मेरे को एक्स्ट्रा पिल्लर थोड़े से ऐड करने पड़ेंगे यहाँ पे, ओके। एंड यहाँ पे नहीं लग रहा, इधर लग जाएगा गाइस, ठीक है ओके। पीछे के साइड में जो ना गाइस इस पत्थर की रेंज तक अपन इसको लेके जाते हैं, इस पत्थर से भाई बाद में इसको कनेक्ट करेंगे अपन, ठीक है। लाइक दिस, ओके डन भाई। चलो भाई ओके, 2 एंड यहाँ पे भी भाई 6 मेरे को एक्सपेंड करने हैं ना, ओके चलो। तो गाइस अपन को जो ना गाइस पिल्लर लगा के अपना ये जो बेस है ना गाइस वो फटाक से बना लेना है। तो मैं बेस पहले बना लेता भाई, ठीक है, पिल्लर लगा के, एंड उसके बाद आपसे मिलता भाई, ठीक है। रुको गाइस, इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, रुको गाइस। फाइनली गाइज भाई साहब इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी ना भाई, यहाँ पे खास करके हमको मेहनत क्यों करनी पड़ी बताया क्या गाइज? क्योंकि मेरे को जो ना गाइज यहाँ पे नीचे पिल्लर जो है ना गाइज वो लगाने थे भाई। रुक जाओ मैं यहाँ पे सीलिंग थोड़ी सी बना लेता हूँ, क्योंकि सीलिंग अपनी जो ना गाइज वो खत्म हो चुकी है गाइज। पिल्लर ना मैं आपको दिखा देता हूँ, रुक जाओ मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने जो है ना गाइज यहाँ पे कितने सारे पिल्लर जो है ना गाइज ये बेस बनाने के लिए टोटल लगा रखे है भाई, ठीक है। इतने ज़्यादा पिल्लर लगाने पड़े ना हमको, मैं क्या ही बताऊँ भाई आपको। लेकिन फाइनली जैसे तैसे करके हमारा जो बेस है ना गाइज वो यहाँ पे बन चुका है। और ये देखो हर तरफ आपको जो ना गाइज सिर्फ पिल्लर ही पिल्लर दिखाई देंगे भाई, हर तरफ मैंने पिल्लर चिपका के रखे। और इन पिल्लर के दम पे जो ना गाइज इस दलदल के ऊपर अपना एक खूबसूरत सा जो घर है ना गाइज उसका बेस फाइनली बन चुका है ना मेरे भाई लोग। देख रहे हो ये रहा हमारा घर का जो ना गाइस बेस। एंड यहाँ पे अभी मैं छोटू मोटू सा जो अपना घर है ना गाइस वो बनाने वाला हूँ। एक काम करूँ क्या, यूट्यूब से भाई थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसा ट्यूटोरियल भाई लेके छोटा सा घर बना दूँ क्या, या फिर अपना वही बॉक्स टाइप घर बना दूँ? नहीं चुटकू सा घर बना लेता हूँ, अपना बॉक्स टाइप वाला ही बना लेता भाई। रुक जाओ मेरे को जो ना गाइस सबसे पहले वॉल चाहिए होगी, वॉल तो मेरे पास पड़ी हुई होगी क्योंकि मैं वॉल जो ना गाइस, हाँ वॉल मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाई थी तो वॉल अपने पास पड़ी हुई है। पीछे साइड थोड़ा सा भाई वो रहेगा ना गाइस, पीछे साइड जाने के लिए कुछ रख देते हैं, लाइक ये यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे पीछे साइड एक डोर रहेगा। एंड हाँ ठीक है चलो, इतना इतने से काम बन जाएगा। 1, 2, 3 हाँ 1, 2, 3 कर ले। एंड यहाँ पे भी 1, 2, 3 कर ले। एंड इस तरफ भी लाइक 1, 2 एंड एक यहाँ पे ये लगा देगा, 1, 2 कर लेगा। उसके बाद लाइक दिस यहाँ पे, एंड उसके बाद थोड़ा सा लाइक दिस
कर लेंगे कुछ समथिंग भाई, कुछ अलग ट्राई मारने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखते चलो गाइस कि अपना घर जो है ना गाइस ऐसे कुछ बन पाता है कि नहीं, मतलब थोड़ा सा स्क्वेयर टाइप नहीं बनेगा, थोड़ा सा जो है ना गाइस अच्छा सा बनेगा भाई, ठीक है थोड़ा अच्छा बन जाएगा। 3 है ना भाई, हाँ 1 2 3 है ना, हाँ 1 2 3 है। तो फिर यहाँ पे लगा डालता क्या घर भाई, बीचों बीच है क्या यहाँ पे, बीचों बीच तो नहीं है गाइस, अपने यहाँ से आके थोड़ा सा लेफ्ट मारना पड़ेगा, लेकिन ठीक है चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 3 एंड 1 2 3 1 2 3 थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बन गया क्या, नहीं आई थिंक ठीक ही है मेरे हिसाब से तो ठीक ही है ना गाइज। यहाँ पे 1 2 एंड हाँ 1 2 एंड हाँ डायरेक्टली कनेक्ट कर लेना ये, ठीक है इजी पीजी। एंड यहाँ पे एक भाई डोर रहेगा बाहर निकलने के लिए, नाइस भाई। चलो भाई अपना जो स्ट्रक्चर है ना घर का वो यहाँ पे बन चुका है भाई, ठीक है ये रहा हमारा स्ट्रक्चर घर का। यहाँ पे अपन स्मीदी बीदी और अपने भाई सारे बेंच होते हैं ना गाइज वो यहाँ पे लगाएंगे, फूड्स बीट जो ना गाइज वो अपन घर के बाहर ही लगा डालेंगे। वो यहाँ पे मैं वॉल लगा लेके आया हूँ ना गाइज, हाँ मतलब विंडो वॉल है यार, विंडो वॉल, विंडो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक विंडो। अब यार विंडो मैंने ज़्यादा बनाया ही नहीं शायद, मैं रुक जाऊँ यहाँ पे जो ना गाइज विंडो में बना डालता 10 भाई, ठीक है 10 विंडो से अपना काम बन जाएगा भाई। रूप के लिए जो ना गाइस मैं यहाँ पे ग्रीन हाउस का जो है ना गाइस इस्तेमाल करने वाला हूँ, लेकिन ग्रीन हाउस का क्या बोलते हैं वो बनाने के लिए, एक मिनट रुक जाओ यहाँ पे भाई विंडो नहीं रहेगी, रुक जा बेटा, हाँ यहाँ पे इसके बीचों बीच विंडो रहेगी जहाँ पे डोर फ्रेम लगेगा अपना, एक विंडो और यहाँ पे डबल विंडो लगा दूंगा मैं चाहिए तो, भाई भूख लग गई यार मेरे को। एंड यहाँ पे जो ना गाइस एक डबल विंडो रहेगी भाई, ठीक है एंड पीछे साइड 3 विंडो रहेगी, इस तरफ 8 डोर के ऊपर विंडो रहेगी भाई, ठीक है। ग्रीन हाउस का वो बनाने के लिए मेरे को सीमेंटिंग पेज चाहिए होगा, क्रिस्टल मेरे पास है, स्मीदी बनानी पड़ेगी सबसे पहले, उसके लिए भाई फोर्ज बीड्स फलाना डिलाना चीज़ें बनानी पड़ेगी यार। और भाई मैं अंधेरा भाई अपना जो अंधेरे में डुबा हुआ घर नहीं बनाना चाहता, रुक जा पहले बेसिक सा जो अपना भाई ये ना गाइस वो बना लेता हूँ भाई, डोर बना लेता हूँ डबल डोर ये रहा भाई, 5 डोर बना ले, 5 डबल डोर आई थिंक काम बन जाएगा 5 से। एंड SS वाले डोर बना लेता हूँ डबल वाले, किधर है बेटा डबल वाले डोर, हाँ ये रे हाँ ले बेटा, नाइस वन गाइज। इतने से जो ना गाइज आई थिंक अपना काम बन जाएगा यहाँ पे, ये सारे के सारे जो डोर है ना गाइज वो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइक दिस इसे लगा डालेंगे भाई, ठीक है यहाँ पे एक डोर, 4 डोर है टोटल गाइज अपने घर को भाई, ठीक है 4 डोर है। एंड ये रहा एक, एंड उसके बाद ये इसका दरवाजा, ये इसका दरवाजा एंड ये इसका दरवाजा भाई, ठीक है टडा इसे डायरेक्टली बाहर निकल सकते हैं, ओके डन। अभी जो ना गाइस मेरे को वॉल लगा देने और विंडो लगा देने गाइस इनके ऊपर, ठीक है। और भाई छत जो ना गाइस वो मैं ग्लास की बनाऊंगा भाई, क्योंकि ग्लास की छत बनाने से भाई फायदा क्या होता है पता है क्या गाइस, अपन को जो ना गाइस यहाँ पे लाइट का जुगाड़ नहीं करना पड़ता, अगर ग्लास की ना बनाए ना तो यहाँ पे भाई मतलब अपन को भाई टॉर्च बिट्स लगानी पड़ती घर के अंदर लाइट के लिए, ग्लास की छत से लाइट जो ना डायरेक्टली घर के अंदर आ जाती है और अंधेरा नहीं रहता घर के अंदर। ले बेटा नाइस एंड लाइक दिस ब्रो, खतरनाक भाई ओपी बोल दे ब्रो। चलो भाई स्क्वेयर टाइप तो करनी है नाम ना गाइज, स्क्वेयर टाइप तो करनी ही है। एंड यहाँ पे इसके ऊपर सब विंडो लगा डालेंगे एक, एंड डन 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 भाई, चलो डन। अभी जो है ना गाइज रूप के लिए मेरे को ग्लास ही का इस्तेमाल करना है, ग्लास के अलावा मैं और कोई चीज़ जो है ना गाइज वो यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, तो मेरे को जो ना गाइज अभी फोर्ज भी लगाने पड़ेंगे, फोर्ज मैं यहाँ पर नहीं लगाऊंगा, एक मिनट रुक जाओ मेरे को पहले रेलिंग लगा दो भाई, ठीक है वेट अ मिनट। मेरे को जो ना गाइज सबसे पहले लगा डालनी है यहाँ पे रेलिंग भाई, ठीक है 100 रेलिंग तो मेरे को कम से कम चाहिए होगी। मैं जो ना गाइज इसको यहाँ पे ऊपर साइड जो है ना गाइज कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे ऊपर देख रहे हो जहाँ पे पेड़ है ना गाइज उस साइड में कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। अरे यार रेलिंग पहले से मेरे पास 100 पड़ी हुई थी, मैंने एक्स्ट्रा बना डाली यार, कोई ना चलो रेलिंग इसलिए बना रहा हूँ ताकि भाई यहाँ पे जल्दबाजी में जो ना गाइज मतलब नीचे पीछे दौड़ दौड़ के कूद के मर भी ना जाओ भाई, ठीक है मरूंगा तो नहीं लेकिन भाई अपने घर से जो ना कूद कूद के नीचे ना भाई गिर जाओ दलदल में, इसलिए भाई यहाँ पे रेलिंग लगा डालता हर तरफ। ये मेटल से रिप्लेस कर दूंगा बाद में जब अपने पास काफ़ी ज़्यादा मेटल आ जाएगा तब भाई, ठीक है ले बेटा नाइस वन ओके। अबे यार ये रेलिंग यहाँ पे नहीं लगानी है, डन डना डन डन हो गया गाइस अपना घर रेडी। अभी जो ना गाइस ऊपर भाई थोड़ी सी चीज़ें लगानी है भाई अपन को, फूड जो है ना गाइस मैं कहाँ पे लगाऊंगा बताया क्या, मैं फूड इस तरफ कहीं पे लगा दूंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाउड आवाज़ करते यार ये फूड जलते वक्त ना काफ़ी ज़्यादा लाउड आवाज़ करते। फूड्स बनाने के लिए क्या चाहिए भाई, 10 फूड्स बना ले, इसके अंदर मेरे को मेटल जो ना गाइस भाई ये क्या चीज़ है मिथिक फॉरवर्ड लैंड लैंड्स एक मिनट रुक जाओ, ये क्या चीज़ है भाई मेटल इनगट चाहिए भाई, मेटल ही तो नहीं है उसी का तो जुगाड़ कर रहे हैं अपन, रुक जा भाई मेटल इनगट का जुगाड़ कर रहे हैं ना भाई, यहाँ पे मैं फोर्ज लगा दूंगा भाई ठीक है। मतलब जो ना गाइस वो आवाज़ विवाज होता है ना ये फोर्ज के जलने का वो अपन को उतना ज़्यादा सुनाई नहीं देगा, ठीक है ले बेटा यहाँ पे ऐसा एंड इधर थोड़ा सा लगा डाल
या फिर यहीं पे लाइन से लगा डालूँ, यहीं पे लाइन से लगा देता भाई, ठीक है यहीं पे 10 लाइन से लगा दूंगा, काम हो जाएगा अपना बेटा। डन 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 भाई। फोर्ज जो है ना गाइस वो यहाँ पे अलग चुकी है अपनी। अभी इसके अंदर जो है ना गाइस डालने के लिए मेरे को मेटल लेके आना पड़ेगा भाई। अपना बेसिक सा जो घर है ना गाइस वो बन चुका है। अभी इसके अंदर भाई काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अभी तक भाई ऐड करना बाकी है, लेकिन अभी जो ना फिलहाल के लिए मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो चाहिए ना गाइस वो चाहिए मेटल, ठीक है। तो मैं फालतू की सारी चीज़ें यहाँ पे फेंक के मैं लेके आता भर भर के मेटल, और मेटल मेरे को बताए कहाँ पे मिलेगा यार। मेटल जो है ना गाइस ये बड़े बड़े से, अबे यार ये निकाल, ये यहाँ से भाई डिमोलिश कर लेता हूँ। ये बड़े बड़े से जो गाइस आप क्रिस्टल देख रहे हो गाइस, इनके बीच में जो ना गाइस कभी कभी अपन को मेटल मिल जाता है, कभी कभी भाई ठीक है, चांसेस काफ़ी कम होते हैं लेकिन कभी कभी मेटल मिल जाता है। बट यहाँ पे यार यहाँ पे मेटल नहीं, सीमेंटिंग पेस मेरे को मिल जाएगा एक जगह से, पता है कहाँ से गाइस मेरे को सीमेंटिंग पेस मिल जाएगा बीवर डैम से। इस तरफ जो ना गाइस रुक जाओ, चलो भाई अपन जो ना गाइस समंदर के किनारे जाते हैं, वहाँ पे मेटल भी मिल जाएगा प्लस में सीमेंटिंग भाई पेस भी भाई बीवर डैम जो ना गाइस लूट के जमा कर लूंगा। ओके भाई मेरे को लगा किसकी आवाज़ आ रही है यार यहाँ पे, चलो और कोई खतरनाक सा डायनो तो नहीं ना यहाँ पे। अबे यार ये कापर, अबे यार ये पत्थर से मेरे को स्टोन नहीं मिलेगा, सैंड मिलेगी, मेटल नहीं मिलेगा एक्चुअली में, सैंड मिल जाएगी यार, ये मेटल वाले पत्थर नहीं यहाँ पे। अबे तुमने बीवर डैम नहीं बनाया क्या? बीवर्स बीवर्स तो है यहाँ पे, लेकिन अभी तक इनका बीवर डैम बनाने का काम जो ना वो शुरू ना हो चुका। अबे यार इन्होंने अब तक काम ना चालू करा यार बीवर डैम बनाने का। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन जो ना मेटल यहाँ से भाई तोड़ के फटाक से अपने घर पे लेके जाते हैं। मेटल वाले पत्थर है कहाँ पे वो पहले ढूंढने दो मेरे को। अबे बाय 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 बाय, अबे क्या लाड़ में आ रहा है भाई। मेटल वाले पत्थर तो मिल गए, लेकिन ब्रायन ही चुंगली कर रहा था यार अपन को। ये रहा गाइस मेटल वाला पत्थर, यहाँ पे सिर्फ 2 पत्थर है मेटल वाले, इससे जितना भी मेटल भाई निकल रहा है ना वो सारा का सारा मेरे को लेके जाना पड़ेगा भाई, ठीक है। यहाँ पे जो ना गाइस ज्यादा मेटल वाले पत्थर नहीं है, मैक्सिमम जो वाइट पत्थर आपको। अबे यार, अबे नहीं मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। अबे लिंकुशन कहाँ पे मेरे? हो बाल बाल बच गया गाइस। ओ भाई मरते मरते बचाओ भाई, अब ये सार को मेरी बैंड बजा देता है यहाँ पे। रुक जा भाई मेटल उड़ाने दो भाई, जितना मेटल मेरे को निकल रहा है ना यहाँ से भाई इन 2 पत्थरों में से उतना सारा मेटल जो ना गाइस लेके मैं अपने घर पे चला जाऊंगा। बारिश भी यहाँ पे चालू हो चुकी है और ऑरेंज ऑरेंज जो ना गाइस स्काई हो चुका है। यहाँ पे मेटल कम मेरे को स्टोन ज्यादा मिल रहा है, लेकिन ये पत्थर पता नहीं कौन से भाई सीमेंट से बना हुआ है, टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन अच्छी बात है कि मेरे को जो ना गाइस यहाँ पे, रुक जाओ स्टोन वाला भाई सारा का सारा सामान ऐसा फेंक दे, काफी ज्यादा मेटल मिल रहा है और मैं भाई एक पत्थर तोड़ने से और वेट होने वाला हूँ, इतना ज्यादा मेटल है क्या इसमें? और ये पत्थर भी टूट नहीं रहा भाई इसके आग ले बेटा, हो गया आई थिंक मैं ओवर वेट। अबे यार तू उठना जाए बेटा, उठना नहीं बेटा ठीक है, उठना नहीं, आई थिंक मैं ओवर वेट हो जाऊंगा यार। हाँ हो गया भाई, ज़्यादा मैं मेटल अभी नहीं उठा सकता भाई, खत्म खत्म गाइस, इतना ही इतने में इतना ही मिलता है। अब ये सारा जो मेटल है ना गाइस लेके अपन को घर पे पहुंचना पड़ेगा। चलो भाई लोग फाइनली अपन घर पे आ चुके हैं, लेकिन मेरी जो है ना गाइस यहाँ पे वुड लेके नहीं आ पाया, क्योंकि वुड जो है ना गाइस मेरे को मिल ही नहीं पाया, मिला तो था लेकिन भाई मैं उठा नहीं पाया यार वुड। लेकिन मेटल जो ना गाइस वो काफ़ी ज़्यादा लेके आया भाई, 5,000 एक एक इसके अंदर जो ना गाइस बनाने के लिए डाल दूंगा भाई। अभी वुड है क्या मेरे पास? वुड कितना है टोटल? वुड मेरे को काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगा यार, वुड कितना है टोटल? 7,000 है यार, 1,000 करके डाल देता हूँ ना गाइस इनके अंदर, 1,000 करके डाल देता हूँ, काम अपना हो जाएगा 25 भाई ठीक है। भाई यहाँ पे 10 बनाए हुए हैं भाई, 1,000 से भी नहीं हो पाएगा यार, मेरे को और कम डालना पड़ेगा भाई। शायद भाई 500 डाल देता हूँ उससे काम बन जाएगा, 500 मेटल डाल देता हूँ, मेटल नहीं सॉरी वुड डाल देता हूँ उसे जो ना कैसे अपना काम 25 हो जाएगा। चलो भाई ओके, अब इनके अंदर जो ना कैसे बस अपन को भाई मेटल डालना है और वुड डाल देना है एंड अपना काम यहाँ पे हो जाएगा खत्म। चलो गाइज ये फाइनल था भाई, एंड भाई इस फाइनल वाले के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल देता हूँ भाई, इसके अंदर मेरे को थैच चाहिए होगा, थैच है क्या मेरे पास? थैच डाल देना भाई, 4,000-5,000 थैच था भाई वुड की जगह पे, भाई ये थैच डाल देता यार मैं। 0 आइटम भाई, एक मिनट रुक जाओ भाई, थैच था ना गाइज वो मैं ले सकता था भाई, कहाँ पे आइटम कैच भाई पता नहीं ये कहाँ पे भाई, यहाँ पे भाई 1,000 थैच उठा लेता हूँ एंड वो जो ना गाइस यहाँ पे डाल दूंगा, इससे भी जो ना गाइस यहाँ पे भाई मेटल ही पिघलते रहेगा भाई ठीक है। चलो मेटल विटल डाल दिया है एंड अभी बस ये फोर्ज चालू करके मेटल पिघलाने का काम शुरू कर देना है। तो गाइस मेटल पिघलना जो ना गाइस अपना शुरू हो चुका है एंड अभी अपन को जो ना गाइस एक और काम करना है भाई ठीक है। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ भाई मोर्टार भाई ठीक है, अपन को चाहिए होगी काफ़ी ज़्यादा मोर्टार्स। मैं यहाँ पे जो ना गाइस 6 मोर्टार बना के अपने घर के अंदर लगा डालूंगा भाई ठीक है, मोर्टार जो ना गाइस ये अपने घर के अंदर लगा दूंगा एंड इसके अंदर जो ना गाइस मेरे को सीमेंटिंग पेस्ट एंड स्पार्क पाउडर बनाने के लिए डालना है। मैं इसी तरफ फोर्ज लगा दूंगा ना अपनी सारी, हाँ इसी तरफ लगा दूंगा नहीं यहाँ से तो मैं इधर लगा देता भाई ठीक है, या फिर यहाँ से छत पे जाने का रास्ता मैं पीछे साइड से कैसे कर दूंगा, यहाँ पे लगा देता हूँ अभी के लिए भाई ठीक है। टोटल 6 जो है ना गाइज यहाँ पे अपन मोर्टार लगा देंगे
एंड इनके अंदर जो है ना कहीं सीमेंटिंग पेस्ट एंड अपन को क्या बनाने के लिए डालना है, केरेटिन है क्या मेरे पास? केरेटिन चाहिए होगा, चिटिन, अरे चिटिन है ना मेरे पास, चिटिन है ना गाइज, चिटिन है, चिटिन है, चिटिन भाई 50,000 है भाई, 10-10 करके भी, 10-10,000 भी करके इसके अंदर डाल दूंगा तो भाई काम हो जाएगा भाई। और इनके अंदर जो ना डालने के लिए मेरे को स्टोन लेके आना पड़ेगा, स्टोन जो ना गाइज वो मेरे पास ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही स्टोन है वो भी इसके अंदर डाल देता हूँ मैं। ले बेटा। और इसके अंदर जो ना गाइज अपन को मस्त भी बनाने के लिए डालना है, फ्लिंट भी लेके आना है ना गाइज, वो भी लेके आता हूँ, रुक जाओ। पहले इन सबके अंदर जो ना गाइज मेरे को डालने दो यहाँ पे चिटिन्स, एंड इससे जो ना कैसे अपना सीमेंटिंग पेस्ट अगले एपिसोड तक बन जाएगा, उससे जो ना कैसे अपना छत का काम कंप्लीट करके अगले एपिसोड में अपन भाई कोई ना कोई डायनो टेम कर लेंगे भाई, ठीक है? शायद मैं अगले एपिसोड में जो ना कैसे यहाँ पे वाइब्रेंट टेम कर लूँ, मेरे को जो ना कैसे वाइब्रेंट टेम करना है भाई, और वाइब्रेंट जो ना कैसे इसमें पैसिव टेम होते हैं। अबे यार इससे स्टोन नहीं मिलता ना, इससे जो ना फ्लिंट नहीं मिलता, वो मिल रहा है तो फ्लिंट सैड ज़्यादा मिलती है, फ्लिंट मिल रहा है तो भाई 60,000 फ्लिंट ले लेता हूँ, एंड 60,000 जो ना कैसे अपन स्टोन उठा लेंगे यहाँ पे, 30-40 ओके ठीक है, 50,000 60,000 जो ना कैसे अपन यहाँ पे ले लेंगे, फ्लिंट नाइस वन, एंड भाई सैंड सारी की सारी डाल दें, सैंड अपने किसी काम की नहीं है भाई, सैंड ही है ना ये, क्या है भाई ये, सॉल्ट है, ओके सॉल्ट सारी की सारी डाल दें, एंड यहाँ पे जो ना गाइज मेरे को वो बनाना पड़ेगा भाई एफएम के वाला, पहले ये बनाने के लिए क्या चाहिए, थैच एंड वुड चाहिए भाई, रुक जा, ये ले बेटा थैच एंड वुड ले लें, एंड एफएम के वाला ये स्टोन तोड़ने वाला हथियार मैं बना लेता हूँ, एंड इससे जो ना गाइज अपन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो ना गाइज स्टोन इकट्ठा कर सकते हैं भाई। तो गाइज यहाँ पे जो ना गाइज अपन काफ़ी ज़्यादा स्टोन एंड फ्लिंट लेके आ चुके हैं, जिससे जो ना गाइज, अच्छा इसके अंदर पहले से स्टोन डाला हुआ था, अपन मस्त भी यहाँ पे स्पार्क पाउडर और सीमेंटिंग पेज जो ना गाइज वो बनाने के लिए डाल सकते हैं। चलो भाई अभी जो ना गाइज अपन ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो ना गाइज वो यहाँ पे बनाने के लिए डाल दिया, अपना काफ़ी ज़्यादा जो भाई काम है ना गाइज घर बनाने का ऑलमोस्ट 99% काम कंप्लीट हो चुका है, बस मेरे को जो ना गाइज यहाँ पे रुक जाओ, मैं एक जाते जाते स्मिथी भी बना के जाऊंगा गाइज, ठीक है? अपन जाते जाते जो ना गाइज स्मिथी भी बना के चले जाएंगे, ताकि उसके अंदर जो ना गाइज अपन बाद में ग्रीन हाउस जो ना गाइज वो बना सके। यहाँ पे अभी के लिए स्पार्क पाउडर एंड सीमेंटिंग पेज जो ना गाइज वो बनाने के लिए डाल देता, ये ले बेटा एंड ये ले बेटा, डन 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 भाई, देख रहे हो कितना ज़्यादा सीमेंटिंग पेज बन रहा है भाई यहाँ पे जो ना गाइज 6-7,000 सीमेंटिंग पेज तो बड़े आराम से ही बन जाएगा, और वुड की जरूरत नहीं बेटा, यहाँ पे फ्लिंट डाल दे, नाइस वन, डन 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 डन, एंड ऑलमोस्ट अपना सारा का सारा काम इसके अंदर डालना है फाइनल वाला, ठीक है भाई? इसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा डाल देता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा डाल देता भाई, ओके थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये डाल देता भाई, ठीक है चलो, डन डन डन। तो गाइज यहाँ पे जो ना गाइज अपना भाई मैक्सिमम काम जो ना गाइज वो कंप्लीट हो चुका है, अभी मैं स्मिथी बना लेता हूँ, एंड स्मिथी नाइस, और एफएम के वाला बेंच बना लें, एफएम के वाला बेंच, उसके बाद अपग्रेड स्टेशन, एक अपग्रेड स्टेशन बनाना है अपन को, अपग्रेड स्टेशन, उसके बाद मिड स्पॉयलर, सीमेंटिंग पेज चाहिए होगा 15 भाई, 15 सीमेंटिंग पेज तो बन गया होगा यार अपने पास, ये ले बेटा 77 बन गया, और बनाने के लिए डाल दे भाई, ठीक है मिड स्पॉयलर ले बेटा। चलो भाई तो अपने घर के अंदर जो बेसिक सी चीज़ें चाहिए होती है ना गाइज वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बन चुकी है, स्मिथी भी बन चुका है, बस अभी यहाँ पे जो ना गाइज सीमेंटिंग पेज अपन को काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगा, तो वो सीमेंटिंग पेज जो ना गाइज वो बनने की देरी है, एंड जैसे सीमेंटिंग पेज बन जाएगा ना गाइज अपना काम 25 हो जाएगा। मैं यहाँ पे जो ना गाइज सारे के सारे बेंच लगा के रख दूंगा, लाइक यहाँ पे अपग्रेड स्टेशन रहेगा, उसके बाद मिड स्पॉयलर इसके साइड में ऐसा लगा डालूंगा, उसके बाद यहाँ पे इनकी स्मिथी रह जाएगी, एंड उसके बाद ये वाला जो है ना गाइज ये यहाँ पे लगा डालूंगा भाई, ठीक है चलो डन डना डन डन। गाइज अपना जो घर है ना गाइज वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अगले एपिसोड में इसका पूरा काम अपन कंप्लीट कर लेंगे और कोई ना कोई डायनो भी डेम कर लेंगे। तो गाइज फिलहाल के लिए आज का एपिसोड आर्क सर्वाइवल इवोल का मिथिकल वर्ल्ड का यहीं पे खत्म होता है गाइज, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में गाइज मिथिकल वर्ल्ड के, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आज का एपिसोड और हमारा जो आधा अधूरा घर है वो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइज, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइज, मिलते हैं आपसे सीधा अगले एपिसोड में। I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.